Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम. तो आज हमारे किचन में बन रही है फ़िश कढ़ाई. तो इसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, सबसे पहले हम फ़िश को जो है मैरिनेट करेंगे हल्दी, गंदम का आटा, नमक और अजवाइन के साथ. कुछ मैंने लगा दिया है इसको और कुछ जो है मैं आपके सामने लगाऊंगी. इससे किसी भी किस्म की मछली में स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाती है. तो ये चला गया इसमें गंदम का आटा. ये है आपके सामने हल्दी, ये 2 चम्मच के करीब हल्दी है. 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन है और 1 चम्मच जो है वो नमक का है, वो भी हम इसी पे लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. तो फिश कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए, इनमें सबसे पहले मेरे पास ये 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया है, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च है, 7 से 8 दाने राउंड वाली रेड चिली है, 1/2 से भी कम यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मेरे पास अजवाइन है और 1.5 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है. इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे, अपनी कढ़ाई में इसको यूज़ करेंगे. और दूसरे मसालों में सूखा धनिया पाउडर 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्ची जो है वो 1 चम्मच यूज़ करेंगे. ये है गरम मसाला, बेसिक गरम मसाला, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे. ये ज़ीरा है, ये भी 1 चम्मच यूज़ करेंगे और इसके साथ लाल मिर्ची का पाउडर है, ये भी अपने हस्बैंड ज़रूरत यूज़ करेंगे अगर रेसिपी की क्वांटिटी में देखें तो 1 चम्मच. और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 2 चम्मच जाएगा. ये है लेमन जूस, इससे हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करेंगे अभी. और ये हरी मिर्ची का पेस्ट है. तो सबसे पहले हम अपनी फ़िश मैरिनेट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि फ़िश को हमने धो के अच्छे से खुश कर लिया है ताकि इसका मसाला इसमें अच्छी तरह से लग जाए. हमने बनानी तो फ़िश की कढ़ाई है लेकिन फिर भी हम इसको मैरिनेट ज़रूर करेंगे. तो फ़िश के ऊपर मैंने हल्दी, नमक, आटा और अजवाइन जो वो अच्छे से लगा दिए. अब इसको 15 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके बाद इसको धोएंगे और फिर आपको दिखाएंगे आगे कि हमने इसका क्या करना है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ फ़िश हमने अपनी धो के अच्छे से ड्राई कर ली है. अब हम इसको सबसे पहले अपनी फ़िश को मैरिनेट करेंगे. तो फ़िश की मैरिनेशन में जाएगा सबसे पहले थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच के करीब है, और इसी के साथ 1 चम्मच जो है वो हरी मिर्ची का पेस्ट लगाऊंगी मैं इसको, लेमन जूस इसको 1 चम्मच के करीब लगाएंगे, ये है लहसुन अदरक की पेस्ट, ये भी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लगाएंगे इसको. इस पे नमक डालेंगे, नमक हमने धोते हुए भी इसको लगाया था तो इसीलिए बस उतना ही इस पे नमक लगाएंगे और जरा सी इस पे हल्दी लगाएंगे. इन तमाम मसालों के साथ हम इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे. तमाम मसाले डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट देंगे. 15 मिनट हम इसको फ्रिज में रखेंगे. आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मसाला लगा के ऐसे ही आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं. ये मेरे पास 1/2 किलो टमाटर है, इसकी हम पेस्ट बनाएंगे. इसी तरह 2 डली प्याज है, इसकी भी पेस्ट बनाएंगे. ये हरा धनिया हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे. तो बस मैंने रिंग के साथ हमने ऑयल अपना डाल लिया है. अब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे. इसको थोड़ा सा भूनेंगे जब तक कि ना कलर नहीं बनेगा. आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे जो कलर बदल चुके हैं, तो
अब हम इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे। एक चम्मच हल्दी का, इसके साथ जो मैंने आपको मसाला दिखाया था, लाल मिर्ची साबुत वाली, साबुत सूखा धनिया, साबुत काली मिर्ची, जीरा और अजवाइन का पाउडर वो डालेंगे। ये हम दो चम्मच के करीब डालेंगे। इसी के साथ हम पाउडर डालेंगे सूखे धनिए का। ये एक चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर है। नमक डालेंगे, नमक फिश में भी लगा हुआ है तो ध्यान से इस्तेमाल करेंगे। और एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हरी मिर्ची की पेस्ट भी इसके साथ जाए। थोड़ा सा मैं पानी का छींटा दूंगी इसको। जैसे ही हमारा ये मसाला जरा सा बनेगा तो हम इसमें अपनी टमाटर की पेस्ट डालेंगे। मसाला हमारा जो है वो अच्छी तरह से इसका सॉइल भी करना। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और अब इसको हम 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। जैसे पानी कम होगा तो हम इस पर अपनी फ्राई करके फिश डालेंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खत्म होने वाला है। बस अभी यहाँ इस स्टेज पर हम इसको कवर करेंगे और अपनी फिश को जो है बस आप फ्राई करेंगे। फिर हमारे दिन की ब्रेकफास्ट के साथ जो हमारी टमाटर की सॉस है वो रेडी हो रही है। इसके साथ अब अपनी फिश को जो है वो फ्राई करेंगे। फिश कढ़ाई बन रही है तो इसको हम फ्राई ज़रूर करके डालेंगे फिश को, क्योंकि इससे फिश जो है टूटती नहीं है, इसका टेस्ट भी जो है बहुत ही अच्छा आता है। बस हम इसको नॉर्मल सा फ्राई करेंगे, फिर अपनी जो टमाटर की सॉस है उसमें इसको डालेंगे और 10 से 15 मिनट का दम देंगे। ये जो हमारा कढ़ाई का मसाला है फिश की वो तैयार हो रहा है और इसी के साथ फिश भी फ्राई हो गई। अब इसके लिए फिश डालेंगे और इसको जो है 15 मिनट के लिए दम। और इसको दम लगाएंगे। बाकी की पीसेस भी मैं साथ साथ करती जाऊंगी। और अब हम इस पर चमचा नहीं मारेंगे, चमचा चलाए बगैर हम इसको दमते रखेंगे और फिर रिशा करके आपको दिखाते हैं इसके फायदे। अल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ मेरी फिश कढ़ाई रेडी हो चुकी है और मैंने इसे डिश आउट भी कर ली है और मैं इसे राइस के साथ सर्व करूँगी। तो आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।